श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो भगवान एक और रहस्य को खोल रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जब कल्प क्षय होता है, कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर, यानी कि महाप्रलय के समय सभी प्राणी भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी कि बहिरंगा प्रकृति यानी कि माया शक्ति में अपनी काम वासना के साथ प्रवेश कर जाते हैं। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय इंसान के मन में या समस्त प्राणियों के मन में जैसी इच्छाएं थी, जैसी वासनाएं थी, जैसी कामनाएं थी, वो समस्त वैसी ही रहती हैं और उन कामनाओं के समेत प्राणी भगवान की माया शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। और जब अगला कल्प शुरू होता है, अगले कल्प की शुरुआत में, यानी कि जब ब्रह्मा जी दोबारा से आते हैं, ब्रह्मा जी के आने के साथ ही भगवान की इच्छा से प्रकृति समस्त प्राणियों को उनके कर्म उनकी वासनाओं के अनुसार विभिन्न योनियों में डाल देती है। तो ये सब होता है भगवान की इच्छा से। भगवान यहां बता रहे हैं कि कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान की प्रकृति यानी भगवान की माया शक्ति। और अन्य कल्प जब आरंभ होता है, जब दोबारा से सृष्टि आरंभ होती है, तब भगवान दोबारा से उन्हें अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं।